नेक्स्ट आर्टिकल इज द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एक्वायर बाय द चार्ज पार्टिकल व्हेन इट एक्सेलरेटेड अंडर अ पोटेंशियल डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल है, जैसे वी आर सेटअप अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सेटअप अ टू चार्ज प्लेट, दो चार्ज प्लेट हमने प्लेस कर दी, एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज है एक प्लेट नेगेटिव चार्ज है, तो दैट सेटअप अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ स्पेस। अब उस प्लेट के गैप में या उस प्लेट के स्पेस में एक चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। सो व्हेनेवर चार्ज पार्टिकल इज ट्रेवल अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इट विल एक्वायर अ एक्सेलरेशन। तो पहले वो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है और उस एक्सेलरेशन की वजह से उसने कितना पोटेंशियल एनर्जी उस एक्सेलरेशन की वजह से उसने कितना वेलोसिटी एक्वायर किया, वो वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना है और उस वेलोसिटी के बेसिस पे उसका कितना काइनेटिक एनर्जी होगा वो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सो आर्टिकल इज एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एक्वायर बाय द चार्ज पार्टिकल। एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। वी आर टेकिंग टू प्लेट्स, ये दो प्लेट्स लिए मेटल प्लेट्स ए और बी, ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज है और ये प्लेट नेगेटिव चार्ज है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ए से बी की तरफ रहेगा, ठीक है। तो वी आर सेटअप टू मेटालिक प्लेट्स इन अ स्पेस दैट सेटअप अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड इन दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एज द चार्ज पार्टिकल इज ट्रेवलिंग in the uniform electric field it experiences an electric force, so electric force on charged particle kitna hoga, jaise ek charged particle q hai yahan par, to us par force kitna hoga, f is equals to q into e, aur us par acceleration kya ho jayega, acceleration of charged particle that is F is equals to ma, so acceleration ho jayega F by m, that is q e by m, so acceleration ki value kya ho jayegi, q e by m, that is the acceleration acquired by the charge particle, theek hai। ab actually hame calculate kya karna hai, kinetic energy ka expression, to kinetic energy ka expression acquire karne ke liye pehle hame velocity ka expression acquire karna padega, so initially we suppose the charge particle is at rest, ठीक है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, फाइनल वेलोसिटी दैट वी आर टेकन दैट इज वी, ये उसकी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और सपोज इन दोनों प्लेट्स के बीच का गैप यदि इफ आई एम टेकिंग, तो दोनों प्लेट्स के बीच का गैप मैं ले रहा हूं डी, तो आपका सेपरेशन यानी यदि चार्ज पार्टिकल यहां से ट्रेवल कर रहा है एज इट फॉल डाउन 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 इट एक्वायर एक्सेलरेशन, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया डी, तो नाउ वी सेट अप अ इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, क्या यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू ए एस, क्योंकि यू की वैल्यू जीरो है, तो टू ए की जगह हमने क्या रखा, क्यू ई बाय एम इन टू डी, ठीक है। अब देखिए यहां ये आया ई इन टू डी, ई इन टू डी की वैल्यू क्या रखेंगे, ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेट्स के बीच में और प्लेट्स के बीच का गैप डी है, तो इन प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा,
पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, E इज इक्वल टू वी बाय डी, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, E इंटू वी। अब ये जो V है ये वेलोसिटी है, तो इसको थोड़ा सा मैं कर्व कर दे रहा हूं, ये वेलोसिटी के लिए। पोटेंशियल के लिए जो V ले रहा हूं वो सिंपल सा नॉर्मल जो V है कैपिटल V ले लिया, तो कैपिटल V क्या हो गया, E इंटू डी। तो ये जो E इंटू डी है, इस E इंटू डी की जगह क्या आ जाएगा, पोटेंशियल। तो V स्क्वायर क्या हुआ, 2Q by M into ED, ED की जगह हम क्या रखेंगे, 2Q V by M, Q into V, Q चार्ज है, V वोल्टेज है, ठीक है। अब M को इस तरफ ट्रांसफर किया, तो M V square is equal to Q into V, divide by 2 करें, तो ये जो सॉरी ये 2 क्यू भी था, डिवाइड बाय 2 करें तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आया आपका, ये काइनेटिक एनर्जी आ गया हाफ एम वी स्क्वायर, और हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, Q इंटू वी। सो द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया आपका, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू Q इंटू वी। V is a potential difference और Q is a charge. Electric field के term, हाँ ये भी work done का भी हो सकता है, क्योंकि obviously बात है ये work done का भी हो सकता है, किसका हो सकता है, work done का भी हो सकता है, ठीक है। और यदि हमें velocity का expression चाहिए, तो V square is equal to क्या है, 2 Q V by m, तो वेलोसिटी हो जाएगा रूट टू क्यू वी बाय एम, तो ये वेलोसिटी का रिलेशन हो गया और ये काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन। तो इस रेस्पेक्ट में आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक काइनेटिक एनर्जी हम किसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यदि चार्ज का अमाउंट में इलेक्ट्रॉन ले लूं, यदि क्यू की वैल्यू ले लूं 1 इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो ये एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू 1, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। सो दैट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक काइनेटिक एनर्जी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। सो दैट इज वन ऑफ द यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एक्वायर बाय द चार्ज पार्टिकल, दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी एक्वायर बाय द चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। वी क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, इज दैट क्लियर। ठीक है, जैसे नाउ वी आर डूइंग वन क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस आर्टिकल, दैट कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1,000,000 वोल्ट। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर बाय द अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1,000,000 वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, क्यू इंटू वी। क्यू क्या है, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, Q इंटू ई। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, 2E, तो दैट इज 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 यानी 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, ठीक है। और वोल्टेज कितना है, 1,000,000, 1,000,000 यानी 10 टू पावर 6 वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू 10 टू पावर 6, हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 13 जूल। That is a kinetic energy acquired by the charged particle when it accelerated through a potential difference of 1,000,000. Is it clear? Now, एक velocity से related एक question हम discuss कर लेते हैं। Calculate the velocity acquired by the proton moving under a potential difference of 100 volt. ठीक है? तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा, v इज इक्वल टू रूट क्यू वी बाय एम।
तो चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, दैट इज अ चार्ज, दैट इज अ चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.672 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 केजी, पोटेंशियल है 100 वोल्ट, तो वेलोसिटी हो जाएगा रूट टू क्यू की जगह 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 वी की जगह 100 डिवाइडेड बाय 1.672 इंटू 10 टू पावर माइनस 27। तो इस एक्सप्रेशन में आप जब वैल्यू प्लेस करेंगे क्यू वी और एम की, तो ये वैल्यूज आपको क्या दे देंगे, वेलोसिटी का वैल्यू। तो वेलोसिटी आपका आएगा दैट इज 1.38 इंटू 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमने एक्सप्रेशन में क्या वैल्यू प्लेस करी, दैट वेलोसिटी एक्वायर एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इज इट क्लियर? आया सर में, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, तो एक ये रिलेशन याद रखना है, दूसरा काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन याद रखना है क्यू इंटू वी, ये दो रिलेशन आपको याद रखने हैं, तो उससे रिलेटेड कई कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनते हैं, तो वो भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड यूनिट का पोर्शन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब सेकेंड यूनिट में आपका कैपेसिटेंस बाकी है और फर्स्ट यूनिट में गॉस लॉ ये बाकी है। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।